नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बिहार में कोरोना वायरस का कहर जारी है और इसीलिए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू भी लगा रखा है और समारोह के आयोजन के लिए भी कई निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन शायद लगता है कि सारे नियम कायदे कानून आम जनता के लिए ही बने हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस बिहार में कोरोना चरम पर है, वहाँ एक माननीय के बेटे की शादी में काफी भीड़ नजर आई। आप भी देखिए। बिहार सरकार ने शादी में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने का निर्देश जारी किया हुआ है। इसके साथ ही रात 9 बजे के बाद पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू भी लागू है। खुद नीतीश कुमार ने कहा था कि लोगों को समझना चाहिए कि जब नाइट कर्फ्यू है तो शादी का कार्यक्रम उससे पहले ही खत्म कर ले। लेकिन सोमवार रात अररिया जिले के फारबिसगंज में बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी के बेटे प्रेम केसरी की शादी में न सिर्फ सरकार के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी ख्याल नहीं रखा गया। इतना ही नहीं, शादी में सांसद समेत कई विधायक और सैकड़ों लोग शामिल हुए। नाइट कर्फ्यू होने के बावजूद देर रात तक पार्टी में लोग मौजूद रहे। इस शाही शादी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें, विद्यासागर केसरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इतना ही नहीं, शादी से एक रात पहले भी पूरी रात डांस पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें विधायक के बेटे समेत सैकड़ों लोगों ने जमकर डांस किया था। पूरी शादी कार्यक्रम के दौरान नाइट कर्फ्यू को तोड़ने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान काफी संख्या में वहां लोग मौजूद थे, साथ ही ज्यादातर लोग मास्क भी नहीं लगाए हुए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब एक आम आदमी को इस कोरोना जैसी स्थिति में अगर कोई भी कार्यक्रम करना हो तो उसे शासन से लेकर प्रशासन तक पहले परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन मंत्री हो या विधायक हो, फिर चाहे अपनी ही सरकार के बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ा दे, उन पर कभी भी कोई भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।